नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शर्मा। हमारे चैनल समस्या आपके समाधान हमारे में आपका स्वागत करते हैं। बाप बेटी को पक्ष लेता है तो उसको साध कर रखता है, पढ़ाता लिखाता, उस पे विश्वास कर उसको प्रबल बनाता है। और माँ बेटे का पक्ष लेती है, इसलिए हम तो कहते हैं आजकल के बच्चे जो ये मदिरा पान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, अन्य गलत काम कर रहे हैं, किसकी शेर? अगर तुम्हारा बच्चा गलत काम कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, तुम्हारा बच्चा गलत अगर व्यसन में डूबा हुआ है, तो वो माँ की शेर। प्रथम गुरु कौन? अरे बोलो, माँ। द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सतगुरु। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सतगुरु का आशीर्वाद जीवन को संवार देता है। अगर बेटे को सच बोलना सिखा सकती है तो माँ सिखा सकती है। बेटे को गलत बोलना सिखाती है तो माँ सिखाती है। बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाती है तो माँ सिखाती है। एक हमने बहुत पहले अपनी क्लास में पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा हो। एक बच्चा एक पेंसिल चुरा के घर ले गया। माँ ने कहा, किसकी है? माँ मैं लेकर आया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन पेन ले गया, तीसरे दिन बॉक्स ले गया, चौथे दिन लंच का टिफिन ले गया, पांचवें दिन बैग ले गया, छठे दिन और सामान ले गया। धीरे धीरे वो बच्चा नामी चोर हो गया, सामान चुराने लगा, घर में लाने लगा। एक बार पकड़ा गया, थाने में गया, बंद करा। अंतिम समय में उसको फांसी की सजा हो गई और पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा, मैं मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया, उसने दांतों से अपनी माँ के कानों को पकड़ लिया, रक्त बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाकर पूछा, अरे क्यों, ये तेरी माँ है? वो कहता है, सूली पर चढ़वाने वाली भी ये मेरी माँ है। अगर पहली बार चोरी कर कर आया था, माँ गाल पर थप्पड़ मारती, दूसरी बार चोरी नहीं करता। पर माँ ने एक शब्द नहीं कहा, ये माँ। भैया, माताओं से निवेदन है, अच्छा अच्छा ज्ञान दो बच्चों को। आजकल की माताएं बड़ा उल्टा ज्ञान देती है। बच्चों को देती है टॉफी और कहती है, किसी को बताना मत, दादा दादी पूछे तो कहना मत, नाना नानी की आंखी, और बोलना मत मम्मी ने दिए, कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिए। बच्चे को सिखा दिया, बच्चा सीख गया। दादी ने पूछा, क्यों रे टॉफी कहाँ से लाया? पड़ोस वाली आंटी ने दिए। बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ गई, बच्चा झूठ पर झूठ बोलने लगा। वही बच्चे की शादी हो गई, बड़ा हुआ, विवाह हुआ, घर में पत्नी आ गई, पत्नी को लेकर घूमने गया हैदराबाद। वहां पर पत्नी को चूड़ी, साड़ी, सूट पसंद आ गया। जैसे ही पसंद आया, पत्नी ने कहा, पति से अच्छा लग रहा है, पति ने कहा ले ले और घर चलेंगे, और मम्मी पूछेगी तो कह देना माई कैसे मिली है। जैसा माँ ने अपने बेटे को सिखाया था, वैसा बेटा अपनी पत्नी को सिखा। कौन सिखा रहा है? अरे बोलो। अच्छा, माँ को मालूम है कि अभी हैदराबाद गए थे, वहीं से खरीद के लाए, फिर भी अब बहू से पूछा कहाँ से लाई, तो क्या मायके से लाई। माँ को मालूम है, पर कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि माँ ने उसको झूठ बोलना सिखाया। हम अगर सत्य बोलना सिखाएंगे तो बच्चे सत्य बोलेंगे। आप अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बच्चों को गलत सीख देकर। बच्चों के आगे कभी ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि तेरे ताऊ बेकार, की चाचा बेकार, की काका बेकार, कि ये बेकार, की वो बेकार। कुछ मत बोलो बच्चों के सामने। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा, ओ दादी। दादी बोली, हाँ बोल, क्या बात है? दादी तू एक बार टे बोल ना, टे। दादी बोली, टे क्या होता है रे? नहीं बस तू मुंह से एक बार टे बोल दे। दादी ने बोला, नहीं बोलूंगी, पहले बता टे क्यों बोलवा रहा है। दादी तू बोल तो सही टे। दादी नहीं बोली। दादी ने 5 रुपए दिए, ले बाजार से टॉफी लाके खाना, अब बता मुझसे टे क्यों बोलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। ये बच्चे माता पिता के साथ में रहकर, कक्ष में रहकर माता पिता के विचार, सोच, बुद्धि,
अपने भीतर उतारते हैं। कल हमारे नीरज भैया का लाला बेटा गणपति बना, वो विपुल बता रहा था मेरे को, कहे गुरुजी उसको 3 बार तो रोक रहे, रुक जा अभी बना रहे, क्या कि मैं भाग जाऊंगा हाथ नहीं आऊंगा। मैंने कहा विपुल ये कभी ना कभी गर्भ के समय पे वृंदावन गया होगा इसलिए भगोड़ा हो गया, कन्हैया जी भागने की आदत हो गई, मटकी फोड़ो और भागो। भगवत कृपा, और भगवत कृपा के बिना संसार में कुछ भी नहीं। हम बच्चों को अच्छा ज्ञान दें, जितना प्रेम से अपने बच्चों को विद्वान बना सकते हो उतना बनाओ, विद्वत्ता नहीं दोगे तो आने वाला समय बेकार।